गुड आफ्टरनून दोस्तों, आदित्य सोनी यहाँ पे बियानी ऑटो बजाज से हूँ मैं। ये आपको शोरूम पे अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रव सर्कल के पास में आपको यहाँ पे नया शोरूम आउटलेट डाला है अभी बियानी ऑटोमोबाइल्स का। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली नया गाड़ी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है पल्सर N250 एंड F250, दो मॉडल में लॉन्च हुआ है ये। चलिए दोस्तों हम गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करते हैं। सामने दिया गया है काफ़ी अच्छा सा अपील लुक करता हुआ, यहाँ पे विंडशील्ड दिया गया है ब्लैक कलर का, जो कि काफ़ी अच्छा एरोडायनामिक क्रिएट करता है। अगर आप स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको राइडिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है इससे। और यहाँ पे एक नंबर प्लेट के लिए आपको नंबर माउंटिंग्स दिया गया है, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट होल्ड कर सकते हैं आप। और ये काफ़ी स्टाइलिश आपको यहाँ पे मिरर्स दिए गए हुए दो, यहाँ पे काफ़ी अपील लुक करता हुआ DRL दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं DRLs को भी यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोजेक्टर लैंप्स दिए गए हैं यहाँ पे फ्रंट में हेडलैम्प के यहाँ पे, और साथ में काफ़ी अच्छा सा बड़ा डिस्क दिया गया है यहाँ पे विथ ABS दिया गया है ये। और हम टायर की बात करते हैं तो 17 इंचेस का इसके अंदर टायर दिया गया है। और यहाँ पर हम इंजन की बात करें तो इसके अंदर DTSI इंजन दिया गया है, ट्विन स्पार्क प्लग के साथ दिया गया है ये। और इंजन का साइज़ की बात करें तो 249cc का इसके अंदर इंजन दिया गया है जिसमें 24.1 BHP दिया गया है। अगर इसके टॉर्क की बात करें तो इसमें 21.5 न्यूटन का टॉर्क दिया गया है। और हम अब गाड़ी के बैक साइड में आते हैं तो काफ़ी बड़ा व्हील दिया गया है यहाँ पे, या MRF का व्हील दिया गया है यहाँ पे, इसमें आपको काफ़ी बड़ा है और टायर भी काफ़ी चौड़ा गया है। अगर आप ड्राइव करते हैं तो उसके अंदर कॉर्नरिंग करते हैं या फिर गाड़ी टिल करते हैं तो काफ़ी अच्छा ग्रिप मिलता है आपको गाड़ी में। और साथ में अगर इसका एग्जॉस्ट सिस्टम की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा लुक में दिया गया है, सिल्वर एंड ब्लैक कलर का लुक दिया गया है यहाँ पे आपको। और इसमें बैक साइड के सस्पेंशन की बात करते हैं हम तो यहाँ पे आपको बैक साइड में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। और फ्रंट में आपको अगर बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है उसके अंदर आपको। हम अब बात करते हैं इसके टॉप साइड की, तो टॉप में हमको टैंक दिया गया है, टैंक जो कि 14 लीटर का दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कवर काफ़ी अच्छा दिया गया है, इसमें आपका गाड़ी का पानी भी नहीं घुसेगा रेन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल भी काफ़ी अपील लुक दिया गया है, मीटर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है इसका। और सीट की बात करें यहाँ पे हम तो सीट स्प्लिट सीट दी गई है यहाँ पे, और साथ में देख सकते हैं आप पल्सर की भी यहाँ पे टैगिंग करी हुई, कितना अपील लुक दे रहा है यहाँ पे ये। और यहाँ बैक साइड में LED टेल लाइट दी गई है। ट्रांसमिशन की बात करें तो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है यहाँ पे, 1 डाउन साइड रहेगा एंड 4 गियर जो अप साइड रहते हैं वो दिए गए यहाँ पे। DTSI का यहाँ पे भी एक टैग दिया गया है आपको ट्विन स्पार्क प्लग का। और यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, अगर स्टैंड की बात की तो साइड स्टैंड भी मिलता है, मेन स्टैंड भी मिलता है यहाँ पे आपको। गाड़ी के माइलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको गाड़ी में इजीली 35-40 का एवरेज मिल जाएगा, यहाँ पे माइलेज मिलेगा आपको। और इसकी एक्स शोरूम की प्राइस की बात की जाए तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,40,000 रुपये। अगर आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी या फिर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रव सर्कल के पास में बियानी बजाज पे आके गाड़ी परचेस कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, चला के देख सकते हैं गाड़ी को। और अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी और वीडियो अच्छा लगा है तो इसका प्लीज़ वीडियो शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें।